Hello everyone. In this video, we will start a new part of the unit equilibrium. Equilibrium unit जो हम लोग पढ़ रहे हैं actually उसके two parts हैं. एक तो आपका simply chemical equilibrium है जिसको हम लोग discuss कर रहे थे. ठीक है, simple equilibrium जिसमें chemical equilibrium और physical equilibrium related भी कुछ terms हम लोगों ने discuss की थी. And second part है ionic equilibrium. ठीक है, ionic equilibrium in solutions. तो ये हमारा second part है जिसको आज हम लोग start करेंगे. इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए अच्छे से. तो पहले आज उनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस उसको कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्टिंग में जो आपको टर्म्स बताऊंगे उन टर्म्स का कंप्लीट चैप्टर में यूज होने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना है. बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, ली चैटेलिएर प्रिंसिपल हम लोग कर चुके थे, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ने को बोला था. ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद अपना ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसको भी साथ साथ ही करते रहेंगे. ठीक है, बाद में एक साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अच्छे से आपको स्टार्टिंग में ही करना है. ठीक है, देखिए क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी कि हम लोग आयन्स की बात करेंगे. सबसे पहले तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताते हैं. सबसे पहले देखो, जो फैराडे साइंटिस्ट थे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, 12th क्लास में तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी इसको पढ़ा जाता है. तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, ठीक है, और अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने टाइप के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप यूं कह रहे हैं कि वर्ल्ड में, ठीक है, मैं कह रही हूँ कंप्लीट वर्ल्ड में, कंप्लीट यूनिवर्स में बोलो, ठीक है, कंप्लीट यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनको टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे ऑल द सब्सटेंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, फर्स्ट वन तो क्या है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, एंड सेकेंड वन क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इन्होंने कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस नोन हैं, जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो या तो क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे. ठीक है, अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, भले मैं लिख देती हूँ द कंपाउंड और द सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच गेट्स डिसोसिएटेड which gets dissociated completely, which gets dissociated completely into ions in their aqueous or molten form or molten state. देखो वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं विच गेट्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, ये भी लिख देते हैं कि विच स्प्लिट्स अप. ठीक है, जो क्या हो जाता है स्प्लिट हो जाता है, विच स्प्लिट्स अप मींस डिसोसिएटेड कंप्लीटली, कंप्लीटली टूट जाना इनटू आयंस इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट. अब आपको पता है देखो जो HCl है हमारा, ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो HCl है वो एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये जो HCl है इसका डिसोसिएशन ऐसे ही नहीं हो जाता. आप सोचो कि आपके पास HCl रखी हुई है, किसी टेस्ट ट्यूब में आपने डाल रखी है, किसी बोतल में है, किसी भी कंटेनर में है, तो क्या उस कंटेनर में रखे रखे अपने आप एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव उसके बनते रहते होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ये डिसोसिएशन कब होगा, कब HCl इस आयंस में कन्वर्ट होगा, इस तरह से इन आयंस में कन्वर्ट होगा, अगर तो HCl है एक्वस. एक्वस मतलब इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हो एक्वस, एक्वस का मतलब वॉटर प्रेजेंट होना या फिर मोल्टन स्टेट. अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि एक्वस और मोल्टन का मतलब सेम ही होता है, उनको लगता है एक्वस एंड मोल्टन बोथ आर द सेम थिंग्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक्वस का मतलब होता है कि वॉटर का प्रेजेंट होना. अगर मैंने कहा है कि ये मेरे पास एक्वस HCl है, यानी कि इस HCl में ये सिर्फ HCl नहीं है, प्योर HCl नहीं है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, वॉटर भी प्रेजेंट है. मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट, मतलब कि मेल्टेड फोम. दो चीजें मैं इसके साथ कर सकती हूँ, दो एक्सपेरिमेंट्स मैं इसके साथ करवा सकती हूँ, या तो मैं इसके साथ वॉटर को ऐड करूं उस केस में इसको क्या बोला जाएगा एक्वस HCl बोला जाएगा, या फिर मैं इसको क्या करूं मैं इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मीन्स मैं इसको मेल्ट करूं. जब HCl को ले लूंगी मीन्स वॉटर भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंपली HCl को लेकर के मैं उसकी मेल्टिंग करा रही हूँ, मैं उसको मेल्ट कराना स्टार्ट करा देती हूँ, उसको मेल्टेड फॉर्म में लेके आती हूँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मोल्टन स्टेट में या मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है. तो पहली बात तो
एक्वस। कोशिश किया करो कि जब भी HCl का या आपको किसी का डिसोसिएशन दिखाना है तो कोशिश करना हमेशा उसके साथ एक्वस लिखने की, क्योंकि अगर सिर्फ HCl है तो उसका डिसोसिएशन इस तरह से कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक्वस HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है कि आपने ये सब्सटेंस लिया और ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया इस तरह से। अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं आपके सामने, C6H12O6 क्या है ये, इट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है C6H12O6, जिसको आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको कराना है इसका डिसोसिएशन। क्या आपने कहीं पे भी ऐसे लिखा देखा कि ग्लूकोज हो जाएगा डिसोसिएट, चाहे एक्वस ले लो चाहे मॉडर्न फॉर्म में ले लो, और क्या बनेगा, सी पॉजिटिव प्लस H2O नेगेटिव, या क्या बनेगा सी नेगेटिव प्लस H2O पॉजिटिव। क्या आपने इनमें से कुछ भी कभी भी देखा है? नहीं। इसका मतलब इस टाइप के जो सब्सटेंसेस है लाइक योर ग्लूकोज, लाइक योर शुगर, शुगर या सुक्रोज है, जो आपके शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, जिसको आप लोग सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, यूरिया है, ये सारे सब्सटेंसेस, ये सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, चाहे इनकी एक्वस फॉर्म ले लो चाहे इनकी मोल्टन फॉर्म ले लो, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होंगे। तो दो टाइप के मैंने आपको यहाँ पे सब्सटेंसेस बताए, एक तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और एक ऐसे सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट नहीं होते। जो डिसोसिएट नहीं होंगे दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। ठीक है, आर नोन एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज, शुगर जिसको आप सुक्रोज भी बोलते हैं, एंड यूरिया। ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पार्ट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, उसका तो कुछ डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब एक्चुअल में जो डेफिनेशन लिखी है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब द सब्सटेंसेस विच गेट्स डिसोसिएटेड कंप्लीटली। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन कर रहे हैं तो चाहे आप ये वर्ड कंप्लीटली यूज ना भी करें, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो क्या होगा, वो आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब समझो, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 10 मोल्स HCl के प्रेजेंट है, तो इससे मुझे जो आयंस मिल रहे हैं 10 ही मुझे हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और 10 ही मुझे क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव, यानी कि जितनी मैंने HCl ली सारी की सारी क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई। मैंने लिए 20 मोल्स ऑफ NaOH, 20 मोल्स मैंने NaOH के ले लिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 20 ही मिलेंगे Na पॉजिटिव आयंस और 20 ही मिलेंगे OH नेगेटिव, इक्वल मिले, यानी कि हुआ कंप्लीट डिसोसिएशन। सिंपल सा आप एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, 5 मोल्स लिए सपोज सोडियम क्लोराइड के, तो 5 Na पॉजिटिव प्लस 5 Cl नेगेटिव, और इसमें देखो सभी में मैंने एरो बना रखा है, सिंगल एरो, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इस टाइप के सब्सटेंसेस में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि जितना सब्सटेंस आपके पास है सारा का सारा आयंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में आपको कोई आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड विद आयंस। इक्विलिब्रियम का मतलब वही है, बस कौन आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अभी और डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन मेन पॉइंट ये आपको समझना है। अब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो कौन कौन से सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग सोल्ट्स, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड क्या है आपके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब द सब्सटेंसेस विच डू नॉट गेट्स डिसोसिएटेड कंप्लीटली। डिसोसिएशन तो नो डाउट उनका में होना है, बट कंप्लीट डिसोसिएशन वहां पे नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट गेट्स डिसोसिएटेड कंप्लीटली, कंप्लीट डिसोसिएशन उनका यहाँ पे नहीं होगा, विच डू नॉट गेट्स डिसोसिएटेड कंप्लीटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी एसिटिक एसिड, देखिए अब जैसे हमारे पास में एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब अगर इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो क्या बनेगा, आयंस तो बनेंगे, ये नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव,
CH3COO नेगेटिव यानी कि एसिटेट आयन प्लस साथ में फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, हाइड्रोजन आयन सी। लेकिन ये जो डिसोसिएशन हुआ है ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने इसके 10 मोल्स लिए हैं तो 5 मोल्स इसके बने और 5 मोल्स इसके बनने चाहिए एक्चुअल में 10-10 मोल्स, ठीक है। हो सकता है इसके 4 मोल्स बने, इसके सिर्फ 6 मोल्स बने, मीन्स कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। या तो दोनों के 4 मोल बन जाए, दोनों के 6 मोल बन जाए, बट 10 मोल्स यहाँ पे नहीं मिलते। तो इस टाइप के केसेस जितने भी होते हैं, ठीक है, इस टाइप के केसेस में इक्विलिब्रियम भी अराइज होता है कि हमारा अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस और आयंस के बीच में एक्चुअल में जो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रिलेटेड विद आयंस, ठीक है, आयंस से रिलेटेड है। कंडीशन वही रहती है कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज नहीं होते। किस किस के बीच में ये इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है, अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस के बीच में और आयंस के बीच में, ठीक है। कि यहां से अगर ये बन रहे हैं तो इनकी कंप्लीट तो फॉर्मेशन हुई ही नहीं है, तो ये दोनों दोबारा से मिलकर के आपका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की टू टाइप्स मैंने आपको अभी बताई हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक छोटी सी टर्म है उसको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लास्ट आज की छोटी सी टर्म, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री मीन्स अमाउंट, कितना डिसोसिएशन हुआ है रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। मान लो मैंने लिए 10 मोल्स और उसमें से सिर्फ 5 मोल्स का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। सिर्फ 5 मोल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हुए, बाकी सब्सटेंस रह गया आपका अनडिसोसिएटेड। तो कितना आपके कितना डिसोसिएशन हुआ है, मींस नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स का वहां पे डिसोसिएशन हो गया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितने थे। इट इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी हम लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए अल्फा इज इक्वल टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 होती है, क्योंकि जितने मोल्स हम लेंगे उतना ही क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सीखना है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।